शादी से घर जा रहे एक युवक पर बदमाशों ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। यह घटना मंगलवार देर रात नक्सलबाड़ी के टुकड़िया मोड़ इलाके में घटी है। बताया जा रहा है कि शांति नगर निवासी चाउमीन विक्रेता 24 वर्षीय जय बर्मन शादी से घर लौट रहे थे, तभी उसे अकेला पाकर कुछ बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया। जय के सिर पर लोहे की रोड से वार किया गया, जिससे वह लहूलुहान हो गए। बाद में स्थानीय लोगों ने जय को बरामद कर नक्सलबाड़ी ग्रामीण अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक इलाज के बाद बागडोगरा के एक नर्सिंग होम में भर्ती करवाया गया। घटना के बाद घायल युवक के परिजन और स्थानीय पंचायत सदस्य व प्रधान ने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। इस बीच नक्सलबाड़ी थाने के पुलिस ने घटना की जांच के बाद 7 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। আমি তো পেয়েছি আজ রাত্রিবেলা পেয়ে এলাম খবর, বা তোমার আমার ছেলে ওরকম হসপিটালে নিয়ে গেছে, এই সময় ঘটনা যে সময় হয়েছে সে সময় তো আমি দেখিনি, বাড়িতে ছিলাম। তারপর ওখান থেকে মেডিকেল নিয়ে গেলাম, মেডিকেল থেকে ফিরে আসলাম এইটাতে। এইভাবে আমাকে স্কুলে সিরিয়াস দেখছি, যা কোনো ডাক্তার বলছে ভরসা কোনো পাওয়া যাচ্ছে না, ভরসাই নাই। গতকাল রাতে আমার এরিয়ার ভাই জয় বর্মন, নাম পিতা রমানাথ বর্মন, উনি গিয়েছিল টুকিয়া বাগান এলাকায় কার্তিকলাল নাগাশিয়ার বাড়িতে। ওনার বিয়ে ছিল, সেই বিয়ে বাড়িতে ইনভাইট খেতে যায়। সেখান থেকে ইনভাইট খেতে আসার পথে সেই বাড়ির বাইরে কিছু দুষ্কৃতী, যারা মারুতি ভ্যানে সওয়ার ছিল, তারা মারুতি ভ্যানের লিভার দিয়ে তার মাথায় জোরালো আঘাত করে, যার ফলে তার আজকে এই পরিণতি। সে জীবন মরণের লড়াই লড়ছে, ডাক্তার বলছে যে সম্ভাবনা খুবই কম, তবুও ডাক্তার চেষ্টা চালাচ্ছে। আমরা চাচ্ছি এই জঘন্যতম অপরাধ যারা করলো ওর সাথে বিয়ে বাড়িতে ডেকে নিয়ে, তার উপযুক্ত শাস্তি হোক। তার উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে আমরা থানাতে লিখিত এফআইআরও করেছি, থানা যথেষ্ট তদন্ত করছে, তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন। আমরা চাচ্ছি আমাদের ছেলে সুস্থ হয়ে যাক, সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরুক, এবং যারা তার সাথে এই ঘটনা করছে তারা উপযুক্ত শাস্তি পাক। ये घटना रात में हुआ, ये तो हम लोग सुबह में सुन पाए, सुन के तो अच्छा नहीं लगा, ऐसे घटना नहीं होना चाहिए, ऐसा घटना हो गया है। ये घटना सुन के ऐसे लगा कि ये बहुत दुखद जनक की घटना है, सुन के बहुत अफसोस हुआ। झगड़ा हर किसी से होता है, इंसान है, झगड़ा हो सकता है, झगड़ा हो गया, पर ऐसे जे हथियार लेके करना, किसी का जान तक ले लेना, ये अच्छी बात नहीं है। ये हम लोग का एरिया का बात है, तो हम लोग सबको मिल के रहते हैं समाज में, तो ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे हो गया है। तो प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि प्रशासन ये जो घटना घटी है, इसमें जो दोषी है वो सबको जल्द से जल्द पकड़े, और जो भी प्रशासन के तौर से जो इसका जो प्रोसेस है वो जल्दी से जल्दी कार्रवाई शुरू करें। परिवार के साथ अब किसी का घर का कोई भी सदस्य अगर ऐसी सिचुएशन में हो तो परिवार बहुत ही हताश हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में हम लोग को परिवार के साथ हमेशा खड़ा ही रहना चाहिए, जितना तक हो सके हम लोग परिवार को सपोर्ट देंगे।